प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आपकी बुक में ये ए कैप, बी कैप, सी कैप दिया हुआ है, तो उसे आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कर लीजिए। इस प्रकार के इकाई सदिश है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या है, 0, और बी तथा सी वेक्टर के मध्य कोण पाई बाय 6 है, तब सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू बी क्रॉस सी। देखिए, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से देखना। प्रश्न अनुसार क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, इसे नंबर 1 डाल दो। क्यों बोला है आपने, ए बी सी इस प्रकार के इकाई सदिश हैं, तो इकाई सदिश है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। उसके बाद देखो आपको क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या है, 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, 0, तो यहां से क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर की क्या होगा, लंबवत। भाई आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी और कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह 90 रहा होगा, क्योंकि कोस 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये पूरा 0 हुआ होगा, तो ए डॉट बी क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, यहां तक तो ए वेक्टर किसके लंबवत हुआ, बी वेक्टर के। ऐसे ही देखो, ए डॉट सी बराबर 0 है तो क्या होगा, ए वेक्टर लंबवत किसकी होगा, सी वेक्टर के, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3 बोल दो। अब एक चीज ध्यान दो, जो समीकरण से भी अच्छा है कि आप इसे क्या लिखें, प्रतिबंध 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के लंबवत है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर है वो बी और सी दोनों के क्या आया, लंबवत आया। तो अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि मैंने बताया था, जैसे ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, ये देखो, ये इसको देखो, ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, ये होगा क्या नहीं होगा, जो ए क्रॉस बी है, ये मैं बता रहा हूं ए और बी के लंबवत, यानी कि इस बोर्ड के लंबवत, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या था, वो ए के लंबवत था, और ए क्रॉस बी क्या है, वो बी के भी क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ए वेक्टर है वो बी और सी के लंबवत है, तो ए वेक्टर बी क्रॉस सी के क्या होगा, समांतर, क्योंकि ध्यान दो एक बार, ए क्रॉस बी यू है और पहले से ए वेक्टर है, दोबारा से देखो आप, यहां तक समझ में है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी होगा वो ए के लंबवत है, वो बी के लंबवत है। ठीक है ना, मतलब आपको जो भी वेक्टर दिया जाए उसका क्रॉस करते ही उसके लंबवत निकलेगा, आप ये मान के चलो। तो अब देखो, ध्यान देना, अगर ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी करोगे ना, तो वो कैसे आएगा, इस बोर्ड के लंबवत आएगा कि नहीं आएगा, तो बी क्रॉस सी लंबवत किसके होगा, बी के, और बी क्रॉस सी लंबवत किसके होगा, सी के, ये सी के और ये बी के, क्लियर। और आपका क्या है, ए वेक्टर भी लंबवत है, तो ए वेक्टर भी यूं ही है, आ गई ना बात समझ में, तो ए वेक्टर और बी क्रॉस सी दोनों क्या हो गए, लंबवत हैं, तो समांतर हो जाएंगे। एक बार लिखो उसके बाद बताता हूं, ए वेक्टर बी क्रॉस सी के समांतर होगा, यहां पे लिख दो, इसलिए ए वेक्टर बी क्रॉस सी के समांतर होगा। समझो एक बार, दोबारा समझ लो, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, और हमने बोला था ए वेक्टर है वो बी और सी के लंबवत है, बी और सी के लंबवत है, मान लो ये डस्टर है ऐसे, ठीक है, यू डस्टर है ऐसे,
ठीक है, और बी क्रॉस सी करोगे तो वो इसको मार्कर को देखे ना, वो यू रहेगा, तो ये दोनों कैसे हुए, समांतर हुए कि नहीं हुए, क्लियर है ना भाई। दोबारा देखो, ए वेक्टर है वो बी तथा सी के क्या है, लंबवत है, और बी तथा सी के लंबवत है तो यू रहा होगा। और हमने बताया कि अगर बी क्रॉस सी करके देखते हो तो वो इस मार्कर को देखो, वो यू रहा होगा, तो ये दोनों कैसे हो गए, समांतर हुए कि नहीं हुए, डन। उसके बाद देखो, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, इसको नंबर आप डाल सकते हो 4, और यहां पे लिखो जहां लैम्ब्डा बिलोंग्स टू आर नोट। आर नोट का मतलब है 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ बी वेक्टर, ये मैंने आपको लिखवा चुका हूं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मापांक लेने पर तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, बोलो सही है कि नहीं है, केवल मापांक लिया है। अब ध्यान दो, ए का मैग्नीट्यूड यहां से इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया, ये लो। अब ए का मैग्नीट्यूड ये रहा, लैम्ब्डा का मैग्नीट्यूड ये रहा, अब इसको खोल लो क्या आएगा, बी सी और साइन थीटा। याद करो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या था, ए बी के मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग और साइन थीटा, यही था। अब उसके बाद आगे देख लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता रहता है ये वाला। इसके बाद देखो, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लैम्ब्डा बी सी और साइन पाई बाई सिक्स, क्वेश्चन में दिया है बी तथा सी के मध्य कोण पाई बाई सिक्स है। तो देखो समीकरण एक से, देखो समीकरण एक में क्या है, वन इक्वल टू मोड लैम्ब्डा वन वन, और साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहां से 2 इक्वल टू मोड लैम्ब्डा, यही है। इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिख दो, क्या लिखोगे, मोड लैम्ब्डा इक्वल टू 2, तो यहां से क्या है, लैम्ब्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, लैम्ब्डा का मान 4 में रखने पर ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 2 ऑफ बी क्रॉस सी, ये हो गया, और ये ही आपका क्या है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आज के लिए इतना ही।